हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिजाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की बेसिक सिलाई क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखा। अब हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं फुल स्लीव्स ब्लाउज की कटिंग। तो फुल स्लीव्स के साथ में, जैसे कि पीछे का गला हमें बंद रखना हो तो कैसे कटिंग होगी, तो ये थोड़ा सा अलग ब्लाउज हो जाता है। जैसे कि हम लोग फोर टक से सिंपल सा ब्लाउज, गोल गला वगैरह कट करते हैं, तो वैसा ब्लाउज ये कट नहीं होता है। इसको कट करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फुल स्लीव्स ब्लाउज प्लस पीछे का गला बंद हो तो कैसे ब्लाउज की कटिंग करें। तो चलो, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलो अब हम लोग यहाँ पर फुल स्लीव्स ब्लाउज की कटिंग सीखते हैं। तो ये मैंने फैब्रिक लिया हुआ है और यहाँ पर सारी चीजें मैंने इकट्ठा करके रख ली है। अब चलो यहाँ पर हम कटिंग करना सीखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फुल स्लीव्स ब्लाउज की कटिंग सीखने वाले हैं। तो चलो यहाँ पर हम अपने पूरे कपड़े को पहले फैला लेते हैं। तो ये लगभग हमारा 1 मीटर का फैब्रिक है, इसमें अरस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर पूरे ब्लाउज को, ऐसे कपड़े को हम फैला लेते हैं सबसे पहले। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा पूरा फैब्रिक है, हमने उसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है। ये हमारा पीछे का पल्ला है, ये हमारा आगे का पल्ला है। हमने एक पल्ला छोटा करके एक पल्ला बड़ा करके लिया है। पीछे का पल्ला छोटा है, आगे का पल्ला बड़ा है, क्योंकि आगे के पल्ले में हम बेल्ट वाले ब्लाउज के साथ में यहाँ पर ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो चलो यहाँ पर पीछे की लंबाई हम कितनी लेंगे, तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, ये हमारी लंबाई रहेगी। तो हमको ये ब्लाउज तैयार रखना है 14 इंच का, तो हम यहाँ पर 15.5 इंच लेंगे। तो अभी 1/2 इंच कम है, तो क्या करेंगे, इसको और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब देखते हैं, तो ये हमारा पूरा 15.5 इंच का है। तो हमने यहाँ पर पीछे वाले पल्ले में जितना हमको ब्लाउज रखना है तैयार, उसमें से 1.5 इंच प्लस करके लिया है। और आगे वाले पल्ले में हमने पीछे वाले पल्ले से पूरा 2 इंच बड़ा लिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी देखो इधर साइड से हमारा फैब्रिक बराबर नहीं है, तो कोई बात नहीं, अब हम इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। तो पीछे वाला पल्ला हमारा कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, और ऊपर वाला पल्ला हमारा कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो हमने इसको इस तरह से रख लिया। अब रखने के बाद ये हमारा फोल्डेड साइड है, ये ओपन साइड है। अब हम इसकी लेंथ नाप लेते हैं, जो भी हमारा साइज है उसको 4 से डिवाइड करना है। जैसे कि ये 36 साइज का ब्लाउज है, तो हमने 4 से डिवाइड किया तो 9 आया, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 11, ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंच तक ही फोल्ड करेंगे, जिससे कि उधर साइड हमारा जितना कपड़ा बचेगा उतनी हमारी स्लीव्स की लेंथ आ जाएगी, लेंथ में हमें कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया है। अब फोल्ड करने के बाद फोल्डेड साइड को हम अपनी साइड को रख लेंगे। खुला भाग देखो, यहाँ पर अभी हमारा स्लीव्स यहाँ से निकलेगी, काफ़ी सारा कपड़ा है, तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं। ये हमने यहाँ पर इसे ऐसे रख लिया। तो देखो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अपने कपड़े को इस तरह से रख लिया है। फोल्डेड साइड को हमने अपनी साइड को रखा है, खुले भाग को दूसरी साइड को। लंबाई तो हमने पहले ही निकाल ली है। अब यहाँ पर हम गले का नाप डालेंगे। तो गला हम आगे का यहाँ पर ले लेंगे 3 इंच, क्योंकि ये हमारा गला जो है बंद रहेगा, मतलब कि पीछे भी बंद रहेगा और स्लीव्स हमारी फुल स्लीव्स रहेगी, पीछे का गला बिल्कुल बंद रहेगा। तो जैसे हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर रहे हैं, ऐसे ही हम कॉलर वाले ब्लाउज की भी कटिंग करते हैं, लेकिन कॉलर वाला ब्लाउज बनाना मैं आपको बताऊंगी, अभी सिर्फ यहाँ पर आप फुल स्लीव समझिए। यहाँ पर हमने 3 इंच पर निशान डाला कपड़े के बंद भाग से, और यहीं से इंची टेप रखेंगे। नीचे की साइड को आएंगे, तो नीचे की साइड को आने के लिए यहाँ पर हमें जितना गला चाहिए आगे का, उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लेना है। जैसे कि मुझे यहाँ गला चाहिए 6 इंच का, सॉरी 5.5 इंच का, तो 1/2 इंच प्लस करके लेंगे। 6 इंच पर एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, और फिर इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे, और यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाते हुए गोलाई कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर का नाप डालेंगे। तो जैसे कि हम नॉर्मल 5 इंच लेते हैं, लेकिन ये हमारा फुल स्लीव्स है और पीछे का गला बंद है, तो इसलिए शोल्डर हम कितना लेंगे, 7 इंच लेंगे। अगर आपका साइज जो है
30 साइज से कम का है तो आप यहाँ पर 6 इंच शोल्डर लीजिएगा, 6.5 इंच ले लीजिएगा। लेकिन जब अगर आपका 30 से 40 के बीच में हो तो आपको 7 इंच लेना है, और 40 से ऊपर हो तो आपको यहाँ पर शोल्डर 7.5 इंच लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं शोल्डर 7 इंच। ये हमने यहाँ पर 7 इंच पर निशान डाला और यहीं से इसकी लेंथ लेके आएंगे आर्म होल की। तो आर्म होल हमको यहाँ पर लाना है, जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही आर्म होल लेके आएंगे। तो शोल्डर हमने लिया है 7 इंच, तो आर्म होल हम लेंगे 7 इंच। तो चलो यहाँ से हम 7 इंच पर एक लाइन खींच लेते हैं इस तरह से, और फिर इधर साइड को हम एक फिटिंग डालेंगे। तो जैसे कि ये हमारा 36 साइज का ब्लाउज है, तो 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9 इंच आएगा। तो हम यहाँ कपड़े के बंद भाग से इधर साइड जितना कपड़ा जा रहा है, मतलब इंच टेप जा रहा है, उतना हम लाइन खींच देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें 2 इंच मार्जिन ले लेना है। ये हमने आगे बढ़ा दिया मार्जिन। अब यहाँ पर हम इतने पे ही गोलाई नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे 1 इंच अंदर की साइड पहले एक लाइन खींचेंगे। ये हमने लाइन खींच दिया, और अब हम यहाँ से इधर साइड को तिरछे में एक लाइन खींच लेंगे। इससे क्या होता है हमारे ब्लाउज में झोल नहीं आता है, जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच की एक लाइन खींचेंगे और 1/2 इंच अंदर की साइड एक पॉइंट देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट में कट होगा, और ये पीछे के पल्ले में और ये आगे के पल्ले में। तो चलो यहाँ पर हम गोलाई कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया है। अब नीचे हम फिटिंग डालेंगे। तो 32 साइज का ब्लाउज है, तो उसके लिए हमारा 32 साइज को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो कपड़े के बंद भाग से हमने 8 इंच लिया, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया, और अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे, और ये वाले निशान को ये निशान से मिला देंगे। तो इतना हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर बेल्ट के लिए निशान डालेंगे। तो ऊपर से इंची टेप रखेंगे, नीचे की साइड को आएंगे। हम बेल्ट ले रहे हैं 12.5 इंच पर निशान, और नीचे जितना बच रहा है, तो देखो यहाँ पर हमारा 4.5 इंच बच रहा है, तो हम इधर 3.5 इंच करके निशान डाल देंगे। यानी कि इधर साइड हम 1 इंच कम कर लेंगे, और इन निशानों को इस तरह से पकड़ेंगे, और मतलब निशान में निशान मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। और अब हम 1/2 इंच अंदर की साइड ऐसे डाउन करते हुए गोलाई कर लेंगे, और इसके बाद अब ऊपर से इंची टेप रखेंगे। पहले तो इधर से हम कितना इंच पर निशान लगा देंगे, 3.5 इंच पर। ये हमने 3.5 इंच पर निशान लगा दिया। अब ऊपर से निशान इंची टेप रखेंगे, नीचे की साइड को आएंगे, बस्ट पॉइंट का नाप डालेंगे। तो बस्ट पॉइंट हम यहाँ ले रहे हैं 9.5 इंच, और अब उसी निशान से उसी पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ते हुए हम चारों टक्स डाल देंगे। एक हम यहाँ पर कपड़े के बंद भाग की तरफ, एक नीचे की तरफ, और एक टक्स हम इधर फिटिंग साइड डालेंगे। तो सारे टक्स को क्या करना है, बस्ट पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान लगाना है। एक टक्स हम इधर डालेंगे, तो ये वाला भी 1.5 इंच छोड़ते हुए ही डालना है। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ते हुए सारे टक्स के निशान डाल दिया है। इसको थोड़ा सा इधर को कर देते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इतने निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे कटिंग करेंगे, लेकिन गला अभी नहीं कट करेंगे, क्योंकि पीछे वाला जो गला है हमारा वो क्या है, छोटा सा रहेगा। अगर हम गला कट कर देंगे तो आगे के जितना हमारा पीछे का गला भी कट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको बड़ा रखना है तो फिर आपको यहाँ पर क्या शोल्डर इतना नहीं लेना होगा। तब फिर जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करते हैं, सेम वैसे ही आपको आगे पीछे के पल्ले भी कट करना है, लेकिन अगर आपको पीछे का गला छोटा रखना है तो सेम तरीके से यहाँ पर आपको कटिंग करनी है। तो चलो इसे मैं कट कर लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने साइड से कटिंग कर लिया है। अभी ये साइड का कपड़ा साइड में रखते हैं। अभी यहाँ पर एक चीज और समझिए, हमने अभी कुछ भी नहीं उठाया, सिर्फ साइड से कटिंग की है। अभी हमको क्या करना होगा, शोल्डर जो है, जब भी हम पीछे का गला बंद गले का बनाते हैं, चाहे सूट हो चाहे ब्लाउज हो, तो 1/2 इंच हम क्या करते हैं, आर्म होल साइड से इसको डाउन करते हैं। तो 1/2 इंच हमने यहाँ पर इस तरह से निशान लगाया, और हल्का से ऐसे तिरछे लेते हुए यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलो हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया। अब क्या करेंगे, अब पीछे के पल्ले को हम निकाल देंगे। पीछे के पल्ले को निकालने के बाद आगे के पल्ले को फिर से ऐसे ही रखेंगे।
अब हम यहाँ पर ये अपना आर्म होल कट कर लेंगे और यहाँ पर अपना ये कट कर लेंगे और बेल्ट कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा अस्तर वाला ब्लाउज तो है नहीं, है सिंपल सा ब्लाउज है, तो चलो इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर सारी कटिंग कर ली है, गले की भी कटिंग कर ली है, आर्म होल की भी और बेल्ट की भी। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा इस तरह से फैला के रखेंगे। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पर इसे पूरा ओपन करके फैला के रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेंटर से लाइन खींच लेंगे और अभी हम जैसे इधर निशान लगाए सेम ऐसे ही दूसरे वाले पल्ले में भी लगाना है। तो इसको हम ऐसे पलट करके ले लेंगे और पलट करके लेने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से डब डब करेंगे, जिससे कि हमारा निशान हल्का हल्का सा इधर आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इनको उसी के ऊपर डार्क कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमें दोबारा से मेजरमेंट नहीं लेना पड़ेगा और हमारे सारे निशान डल जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर निशान डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको बीच से कट कर देंगे। तो इसे क्योंकि यहाँ पर हमें हुक पट्टी और आई पट्टी लगानी होगी सेंटर पर, तो हम यहाँ पर इसे बीच से कट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली, ये हमारा आगे का पल्ला हो गया। अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हम ले लेते हैं अपना पीछे वाला पल्ला। तो पीछे वाले पल्ले में क्या करना है, चलो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, अपना गला बनाना है। तो गले के लिए हम पहले 3 इंच पर निशान डालेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट में भी गला 3 इंच का है और यहाँ पर इसकी लंबाई सिर्फ और सिर्फ हम 1.5 इंच ले रहे हैं, क्योंकि पीछे का गला बिल्कुल छोटा रहेगा। तो 1.5 इंच का एक लाइन खींचेंगे और ऐसे 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे, 1/2 इंच पर निशान लगाते हुए गोलाई कर लेंगे। तो बस इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो चलो इसे हम कट कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 1/2 इंच 1 इंच ऊपर निशान डालेंगे। ये हमने यहाँ पर निशान डाला और हल्का सा ऐसे गोलाई करते हुए इसे कट कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब हम डॉट के निशान डालते हैं ना, तो डॉट पर जब सिलाई लगाते हैं तो हल्का सा इधर फिर हमारा कपड़ा कम हो जाता है, मतलब कि ज्यादा हो जाता है। ये हमने यहाँ पर निशान डाल दिया। अब हम यहाँ पर डॉट के लिए निशान डालेंगे, तो बंद भाग से 4 इंच, ऊपर की साइड हम 4.5 इंच ले लेंगे, क्योंकि ये हमारा फुल स्लीव का है, फुल गला है। और सेम ऐसे ही इधर भी 4 इंच यहाँ से दूरी और ऊपर की साइड 4.5 इंच। ये हमने यहाँ पर पीछे के पल्ले में 2 डॉट के निशान डाल दिया है। ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला भी कंप्लीट। अब हमारा जो कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से पहले तो हम स्लीव्स निकालेंगे, फिर बाकी के बचे हुए कपड़े निकालेंगे। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो इसको, चलो पहले हम यहाँ पर पूरी कटिंग कर लेते हैं स्लीव्स की, उसके बाद हुक पट्टी घटवा पट्टी सारी कुछ निकाल लेंगे। तो ये है हमारा ब्लाउज से जो कपड़ा बचा हुआ है 1 मीटर में से, यहाँ से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो ये हमारा डबल फैब्रिक में है, जो फुल मतलब जो अंदर की साइड है ये हमारा सीधा साइड है और जो बाहर की साइड है ये हमारा उल्टा साइड है कपड़े का। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसे रख लिया है डबल फोल्ड करके। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर इसे एक बार फिर से फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे की साइड सबसे पहले इसे बराबर कर लेंगे, बराबर लाइन खींच देंगे। ये हमने यहाँ पर एक बराबर करने के लिए लाइन खींच दिया है। अब उसी निशान से हम नीचे इधर साइड को आएंगे, जितनी हमको स्लीव्स की लेंथ चाहिए उसमें से हम क्या करेंगे, 1 इंच 1.5 इंच प्लस करके लेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ब्लाउज में जब जुड़ेगा वहाँ चला जाएगा और 1 इंच हमारा आगे से फोल्ड हो जाएगा। तो जैसे कि मुझे इसकी लेंथ रखनी है 18 इंच की, तो हम यहाँ पर 19.5 इंच पर एक निशान डालेंगे। ये हमने निशान डाल दिया और इधर भी एक लाइन खींच देंगे। तो ये हमारे यहाँ पर स्लीव्स कितनी लेंथ निकल के आएगी, ये इतनी लेंथ, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी लेंथ देखते हैं कितनी है। तो ये हमारे लेंथ है जो 8.5 इंच ही हो रही है, लेकिन जो हमारा ब्लाउज साइज है वो कितने साइज का है, 36 साइज का है। तो यहाँ पर हमें कोने की साइड क्या करना होगा, ज्वाइंट लगाना होगा। तो सबसे पहले हम इधर से कटिंग कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया और इधर भी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया। अब जो हमारा फैब्रिक बचा है इसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद इधर जो हमारा खुला खुला साइड है, दोनों साइड हम यहाँ पर ज्वाइंट लगा लेंगे। तो ज्वाइंट कौन सा फैब्रिक का लगाएंगे, इधर साइड का लगाएंगे। तो बस इधर इतने में ही आ जाएगा, आगे नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इतने में हम जो ज्वाइंट लगाएंगे तो इतना इतना लगा लेंगे तो आराम से हमारा आ जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इधर एक पट्टी लगा दी है, एक पट्टी इधर लगा दी है, ये हमने यहाँ पर दोनों पट्टियां लगा दी है, लेकिन जो हमारा मार्जिन है वो दोनों उल्टा साइड को गया है। अब हम सीधे साइड को ऐसे एक बार फोल्ड कर लेंगे अंदर की साइड को। तो यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पर साइड साइड पे दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है, तो मैंने यहाँ पर ज्वाइंट लगा लिया है। अब हम यहाँ पर इसको एक बार फिर से ऐसे फोल्ड करेंगे, तो ये हमारा चार लेयर में हो गया है, देख सकते हो। अब हम यहाँ पर लंबाई तो हमने निकाल ही ली थी, जितनी हमें लंबाई रखनी थी फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर लंबाई, ये हमारी लंबाई है 19.5 इंच, हमको स्लीव्स रखनी है 18 इंच के। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी साइड आप ले सकते हो, एक साइड से हम यहाँ पर इसकी ये लंबाई लेंगे, तो ये हमारा 9.5 इंच होना चाहिए। तो देखो 9.5 इंच है। अब हम यहाँ पर जो फुल स्लीव्स है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से 3.5 इंच अंदर की साइड पॉइंट देंगे। ये हमने 3.5 इंच अंदर की साइड पॉइंट दिया। अब उसी पॉइंट से इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे, इस तरह से हमने यहाँ लाइन खींच दिया है। अब हल्की सी यहाँ पर गोलाई कर लेंगे, तो हल्का सा स्लीव्स का शेप देंगे, तेज आकार का शेप देंगे, हल्का सा ऐसे गोलाई करते हुए, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे की साइड फिटिंग का नाप डाल लेंगे, तो जो भी हमारा फिटिंग साइज होगा, तो यहाँ पर फिटिंग साइज है हमारी 4.5 इंच, 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे। ये हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब जो हमने ये निशान लगाया, वहीं से इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे, जो कि हमारा मार्जिन होगा और ये हमारी फिटिंग होगी, तो यहाँ से हम फिटिंग डाल देंगे। तो देख सकते हो हमारा जो ज्वाइंट है ये सिर्फ इतने में आ रहा है, पूरे में नहीं आ रहा, वो भी एक साइड सिर्फ कोने में आएगा। तो चलो अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है इसकी स्लीव्स की। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों को पहले ऐसे फैला लेंगे। इस तरह से फैलाने के बाद यहाँ पर हमको एक साइड से 1/2 इंच डाउन करना होगा। तो इस तरह से हमने फैला लिया, 1/2 इंच अंदर की साइड ऐसे डाउन करेंगे और इसकी ऐसे ही कटिंग कर देंगे। तो चलो इसे भी कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। ये हो गई हमारी स्लीव्स की भी कटिंग, हो गई कंप्लीट। अभी हम इसको साइड में रखते हैं। अब हमें यहाँ पर जो ज्वाइंट लगाया था, हमने पट्टियां निकाली थी, तो यहाँ पर हमें दो पट्टियां निकली थी, तो इनसे हम क्या करेंगे, इनसे हम अपनी घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी बना लेंगे। तो लंबाई हमको अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग रखना है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई रखनी है आपको 2.5 इंच तक रखनी है। तो ये हमने यहाँ पर दो पट्टियां बना ली, ये हो गई हमारी एक घटवा पट्टी और एक बढ़वा पट्टी। अभी हमें गला बनाने के लिए कपड़ा चाहिए होगा, तो जो भी हमारा कपड़ा बच रहा है उससे हम कपड़ा ले लेंगे, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए, सिर्फ आगे का ही गला बड़ा है, पीछे का गला तो बिल्कुल छोटा है। तो आप पाइपिंग भी लगा सकते हो या फिर तुरपाई वाला गला भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर पाइपिंग लगाने वाली हूँ, क्योंकि तुरपाई नहीं करूँगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको रख लिया। रखने के बाद यहाँ पर हम और एक पट्टियाँ निकाल लेंगे। तो देखो इसको अच्छे से पहले रख लेते हैं इस तरह से। अब यहां से हम इस तरह में अरेर में पट्टियां निकालेंगे, तो ऐसे तिरछे में एक लाइन खींच लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने तिरछे में लाइन खींच लिया है। अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो देखो यहाँ से हमने, ये डबल फैब्रिक था तो चार पट्टियां हमने निकाल ली है। अब इसकी सिलाई कैसे करनी है, ये सारी चीजें हम लोग सिलाई करते समय देखेंगे। तो ये हमने अपनी और एक पट्टियां, स्लीव्स, घटवा पट्टी, बढ़वा पट्टी, पीछे का पल्ला और आगे का पल्ला, सारी कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर इसकी सिलाई कैसे करना है, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर यहाँ पर आपको जो भी कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ लेना, वैसे मैंने सारी चीजें समझाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने सीखा कि हमें किस तरह से अपने फुल स्लीव्स ब्लाउज की कटिंग करनी होती है अगर पीछे का गला हमारा बंद हो। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी चीज समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ लेना। मैं आपको अगली वीडियो में जब इसकी सिलाई करूंगी तो वहां पर आपको बता दूंगी।
तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते तो बहुत सारे लोग हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे क्या होता है आपका कुछ नहीं जाता है और ना ही मेरा कोई बेनिफिट होता है कि आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मेरा कुछ बेनिफिट होगा। हाँ बस मुझे क्या लगता है कि हमारी इतनी फैमिली हो चुकी है तो हमें अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस अंदर से आता है कि हाँ हमारे साथ में इतने लोग जुड़े हैं, लोग हमारे पे इतना भरोसा कर रहे हैं, तो हम लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो दें और उनके भरोसे पे खरे उतरे। तो बस यही होता है और ज्यादा कुछ नहीं होता, बाकी आप लोग वीडियो देख लेते हो तो उसी से बेनिफिट होता है हमारा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, जहां पर हम लोग सीखने वाले हैं इस ब्लाउज की जो हमने अभी कटिंग की है उसकी सिलाई। तो चलो मिलते हैं सिलाई वाली क्लास में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।